नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RKSP गैस एजेंसी पे। मैं आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि आखिर ये OTP का नया नियम क्या है, इस नए नियम के तहत आपको क्या करना है और आप ये OTP अपने मोबाइल पे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ये मैटर सारा अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, OTP का नया नियम 1 नवंबर 2020 से गवर्नमेंट के द्वारा लागू कर दिया गया है। इस नए नियम के तहत जब आप गैस बुक करेंगे तो आपके पास एक मैसेज जाएगा, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यह मैसेज बुकिंग नंबर होता है, जो यह कंफर्म करता है कि आपका गैस बुक हो चुका है। उसके बाद जब गैस एजेंसी के द्वारा आपका बुकिंग एलोकेट किया जाएगा, तो आपके पास नए नियम के तहत फिर से एक मैसेज आएगा, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये हिंदी में लिखा हुआ है कोड, जिसमें 4 डिजिट का नंबर है। तो दोस्तों, यही 4 डिजिट का नंबर ही OTP होता है। यह OTP आपके उस मोबाइल नंबर पे जाएगा, जो नंबर आप गैस एजेंसी पे ऑलरेडी रजिस्टर करवा चुके हैं। मान लीजिए किसी कारणवश आपका वो मोबाइल नंबर खो गया हो या फिर बंद हो गया हो, तो आप गैस एजेंसी पे संपर्क करके कोई दूसरा मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप गैस भरवाने एजेंसी पे जाएंगे, तो गैस एजेंसी के द्वारा आपसे वो 4 डिजिट का नंबर मांग किया जाएगा, जो कि आपको बताना होगा। बिना OTP के गैस एजेंसी के द्वारा गैस देने से मना किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह OTP गवर्नमेंट के द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए सेंड किया जाता है कि कंफर्म हो सके कि गैस सिलेंडर सही गैस ओनर को मिल पाए। तो ये रहा सारा मैटर OTP का, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में समझाया। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हर एक अपडेट गैस के बारे में आपके मोबाइल पे मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।